श्रेय जाता आदि शंकराचार्य खंडन और मंडन द्वारा पूरे भारत में वेदांत के ध्वज को फैलाए। भारत का राष्ट्रीय धर्म बुद्धिज्म हो गया था। अशोक के बाद जो आखिरी हिंदू एम्परर आया वो हर्षवर्धन। अशोक के बाद पूरा का पूरा भारत बुद्ध को समा गया था। नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन बुद्धिज्म ने फिर क्या किया, अपना मठ बना लिया, अपनी मॉनेस्ट्री बना ली और अब कॉन्सेप्ट जो सनातन धर्म का था उसको तोड़ने लगे। शंकरा के आते 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 पूरा का पूरा समाज या तो बहुत ग्रॉस रिचुअल्स में फंस गया था या नास्तिक भाव में आ गया था, क्योंकि शून्यवाद कहता है। यदि आप देखे तो ये नास्तिक भाव में से आता, आस्तिक भाव में आता बुद्ध धर्म। सो उस वेदांत को दोबारा फैलाने के लिए खंडन और मंडना का प्रोसेस किया गया। शंकराचार्य सिर्फ 19 या 20 साल के उम्र के महामंड बड़े बड़े ज्ञानियों ध्यानियों से खंडना मंडना मतलब आर्ग्यूमेंट डिस्कशन। उस समय डिबेट होती थी और उस डिबेट में जो जीत जाता था वो अपने शिष्यों के साथ अपने आप को आप गुरु का चेला बन जाता था। और जैसे सपोज कोई किसी के मठ पे गया डिबेट करने, वाद विवाद करने, खंडन और मंडना करने, तो जिसने डिबेट के लिए किए बोला वो दूसरा व्यक्ति खुद कोई जज चूज कर लेता। तो सपोज मैं किसी के मठ पे गया डिबेट करने, तो जिसके मठ पे मैं गया हूं डिबेट करने वो कोई भी जज चूज कर सकता है और उस जज का निर्णय फिनाले होता था, फाइनल होता। तो कई बार लोग अपनी पत्नी को ही जज बना देते, लेकिन फिर भी शंकराचार्य वह खंडन और मंडना में जीते, पूरे भारत में वेदांत का ध्वज फैलाया। बहुत रेयर होते हैं कोई संत, जैसे मीरा है। मीरा के बारे में विचार आता है तो भक्ति का भाव आता है। मीरा आप लॉजिक तर्क वितर्क की बात नहीं समझ सकते। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, बस डिस्कशन ओवर। भक्ति भाव भरपूर है, लेकिन उन्होंने कोई ये नहीं किया कि कोई बहुत बड़ी समाज में मंदिर बनाए, आश्रम बनाए, ये नहीं किया। कर्मयोगी नहीं थी मीरा, भक्ति योगी। रामतीर्थ शंशाराम आउट एंड आउट इंटेलेक्चुअल थे, ज्ञानवाद। वो तो किसी आश्रम में नहीं बनाया, उन्होंने कहा सारे आश्रम मेरे आश्रम। भक्ति भाव का काफी शुरुआत में है, लेकिन लेटर ऑन कम। बाल गंगाधर तिलक देखो, आउट एंड आउट कर्मयोग। कर्मयोग को पूरे भारत में यदि हम गणेश चतुर्थी बनाते हैं तो उसका सारा श्रेय बाल गंगाधर तिलक को जाता है। उससे पहले जो गणेश चतुर्थी थी वो लोग घर पे विसर्जन करते थे। सामूहिक गणपति की कल्पना और विचार बाल गंगाधर तिलक का था, क्योंकि अंग्रेजों ने मना कर दिया था कोई भी पॉलिटिकल रैलीज नहीं हो सकती, राजनीतिक रैली नहीं हो सकती। तो गणपति विसर्जन के नाम पे, सामूहिक गणपति के नाम पे बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी का समागम किया। और आज गणेश चतुर्थी सामूहिक इतनी ज्यादा हो गई है कि हम सोच भी नहीं सकते कि इंडिविजुअलिस्टिक। लेकिन आदि शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्तित्व बने जिनमें कर्मठ भी थे, चार मठ बनाए, चार धाम बनाए, रिचुअल शुरू करी, पूजा करी, ऑर्गेनाइज किया, कुंभ बनाया, कुंभ के मेले की शुरुआत करी। था पहले लेकिन उसका संयोजित रूप दिया। उसके उपरांत कई भक्ति कविताएं लिखी, गुरु स्त्रोत्रम लिखे, बहुत सुंदर सुंदर शिवा स्त्रोत्रम लिखे,
भक्ति भाव भरपूर था। एंड वही आदि शंकराचार्य ने भगवत गीता दी। एक्चुअल में भगवत गीता देने वाले आदि शंकराचार्य, महाभारत का एक खंड था उसको बाहर निकाला, एक अलग किताब बनाई, वेद उपनिषदों की व्याख्या करी, 11 उपनिषदों की कमेंट्री लिखी, विवेक चूड़ामणि लिखा, आत्मबोध लिखा, तत्वबोध लिखा, भजगोविंदम लिखा, शास्त्र लिखे, कमेंट्री करी। आदि शंकराचार्य इंटेलेक्चुअल लेवल में भी बेस्ट, बौद्धिक स्तर पे भी श्रेष्ठ, भावनात्मक स्तर पे भी श्रेष्ठ और कर्मठ भी थे, फिजिकल एक्टिव भी थे। तभी मैं कह रहा हूं, हजारों साल रोती है नरगिस बे अपनी बेनूरी, बहुत मुद्दत से होता है चमन में दीद अवर, ऐसा वेरी रेयर होता है कोई व्यक्ति जो आदि शंकराचार्य की तरह समाज पे जिसका असर सदियों तक रहे। तो उस शंकरा को, उस आदिशंकर को, उस शिवावतार को शिव स्वरूप मानते हैं, उसको आज हम उनके जन्मदिन पे नमन करते हैं और शुरू करते हैं आदि शंकराचार्य द्वारा रचित ये आत्मबोध, श्लोक नंबर 53। उपाधि विलयाद् विष्णु निर्विशेषं विशेषं मुनिः जले जलं विद्यव्योम्निः तेजस्तेजसि वायथा। उपाधि विलयाद् विष्णु निर्विशेषं विशेषं मुनिः जले जलं व्योम्नि तेजसि वायथा। ऑन डिस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट्स द सेज बिकम्स वन विद विष्णु एज वाटर विद वाटर, लाइट विद लाइट और स्पेस विद स्पेस। आदि शंकराचार्य शैवाइट मठ के श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम स्वरूप में माने जाते हैं, जगत गुरु है आदि शंकर सॉरी शिव अवतार कहे जाते। लेकिन क्या कह रहे हैं वो श्लोक नंबर 53 में, ऑन द डिस्ट्रक्शन ऑफ द इक्विपमेंट द सेजेस बिकम वन विद विष्णु। उपाधि है, शरीर की उपाधि, मन की उपाधि, बुद्धि की उपाधि जब निवृत्त हो जाते हैं, जब उससे डिटैच हो जाते हैं, तब व्यक्ति क्या बन जाता है, विष्णु स्वरूप बन जाता। जैसे जल जल में, आकाश आकाश में, तेज तेज में मर्ज हो जाता है, वैसे ही ये ब्रह्म व्यक्ति सृष्टि में, समष्टि में, पूर्ण में जुड़ जाता है। और उस स्थिति को उन्होंने क्या कहा है, विष्णु तत्व, सर्वव्यापी विष्णु में विलीन हो जाता है। तो आदि शंकराचार्य में भी भेदभाव नहीं था शैवाइट्स और वैष्णवाइट्स में। जैसे गुरु ग्रंथ साहब में, गुरुवाणी में, सिख धर्म के 10वें पातशाह तक कोई भेद नहीं था हिंदू और सिखों। गुरु गोविंद सिंह का सबसे बड़ा भजन क्या है, देव शिवावर मोह मुझे नित कर्म न से कबहू न डरू। पूरी गुरु ग्रंथ साहब में कितना राम है, कितने गोविंद है, कितने शिव है, कितने गोपाल है। आखिरी गुरु पातशाही का नाम ही क्या है, 10वीं पातशाही का नाम है गुरु गोविंद सिंह, गोविंद है उनका नाम। तो संतों में कोई भेद नहीं था, बुद्ध में कोई भेद नहीं था, महावीर में कोई भेद नहीं था। लेकिन बाद में जब परिपाटी आ जाती है चेलों की, और जो वो एक मार्केटिंग करना चाहते, एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, अपने गुरु को, अपने संत को एक ब्रांड बना के देना चाहते हैं, और वो ब्रांड के तक चक्कर में वो दूसरों का ब्रांड बजा देते हैं, चेले आने वालों का ब्रांड बजा जाता है एक ब्रांड। फिर वो सोचते हैं नहीं, हमारा जो गुरु है, हमारा जो देवता, हमारा जो भगवान है ना, वो सुपीरियर है बाकियों से,
कुछ नहीं सुती थी, सब बराबर है। जागने के बाद सपने में डॉक्टर, इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, जागने के बाद सब क्या एक हो जाते। सिमिलरली जगंगा हो, गोदावरी हो, कावेरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, जगंगा हो, गोदावरी हो, ब्रह्मपुत्र हो, कावेरी हो, जैसे जल में मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं। अब समुद्र में आप नहीं कह सकते ये गंगा का पानी है, ये कावेरी गोदावरी ब्रह्मपुत्र का पानी है। जैसे जल जल में मिल जाता है, हवा हवा में मिल जाती है, आकाश आकाश में मिल जाता है, ये रूम स्पेस, इस समय ये रूम स्पेस है। इसको हम चेंज कर दे, डिजाइनर को बुला के यहाँ किचन स्तंभ बना दे तो ये रूम किचन बन जाए। अलग अलग स्पेस है, स्पेस स्पेस में मर्ज हो गया, जल जल में मर्ज हो गया और तेजस तेजस में मर्ज हो गया। इसके और मतलब भी है। जल सिंबलाइज ग्रॉस बॉडी, तेजस सिंबलाइज सटल बॉडी और आकाश सिंबलाइज द कॉज, ब्रह्म स्वरूप, वो आत्मा, सब सब में मिल गई, इंफिनिट तेजस है। रजस को तेजस कहते हैं, बहुत तेजस है इसमें। तेजस मेकअप करने से नहीं आता, तेजस अफगान स्नो लगाने से नहीं आता, तेजस बादाम खाने से नहीं आता, तेजस आता है अनसेल्फिशनेस, तेजस आता है मुख में अनसेल्फिशनेस से, जहां स्वार्थ हो, आपकी नजरे आपका चेहरा झुका हो, घबराया होता है। जब अनसेल्फिश हो तो आपके चेहरे में नूर होता है। ये अलाही नूर चेहरे पे कब आता है? जब स्वार्थ कम हो, जल जल में मिल जाता है, दोनों के मिलने पर इंडिविजुअलिटी नहीं रहती। तो शंकराचार्य शैवाइट मठ के हेड होने के बावजूद वैष्णवाइट बात कर रहे हैं कि यदि सब में उस विष्णु का वास है, जल में जल, आकाश में आकाश, ये उपाधियां, तीन उपाधियां, शरीर मन बुद्धि की उपाधि मतलब ऊपर से लाती गई, उसको धीरे 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 डिटैच करो और जितना आप डिटैच होंगे उतना आप परमात्मा के करीब, जितने आप अटैच दो उतने आप परमात्मा से दूर, और दूर होने का मतलब है जितने आप प्रभु से दूर हो उतने आप नक्स एंड शक्स ज्यादा आते हैं, उतनी चिंताएं, दुख, प्रॉब्लम, समस्याएं ज्यादा आती हैं। तो उसके आगे क्या कहते हैं आदि शंकराचार्य, श्लोक नंबर 54 आत्मबोध। यज्ञानाना परम ज्ञानम तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्, यल्लाभाना परो लाभः यत्सुखाना परम सुखम, यज्ञानाना परम ज्ञानम tad-brahm-hetya-vadharayet. Realize that Brahman, beyond its attainment, there is no greater attainment. Beyond its bliss, there is no greater bliss. Beyond its knowledge, there is no greater knowledge. tad-brahm-hetya-vadharayet. शंकराचार्य कहते हैं उस परमात्मा को जानो। लगातार 6 श्लोकों में ये शब्द आएगा, तद ब्रह्मेति अवधारयेत्, उस परमात्मा को जानो, उस ब्रह्म को जानो, उस परमात्मा को जानो जिसके प्राप्त होने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करना शेष नहीं रहता। उस ब्रह्म को जानो जिसको जानने के बाद कुछ और इच्छा नहीं रहती। फिल्म गाइड, आखिरी सीन,
I have to give you known to unknown, please. The fundamental principle of knowledge is knowledge proceeds from known to unknown. Remember that. आप अननोन तक जाना चाहते हो तो यू हैव टू गो बाय अननोन प्रोसेस. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ नॉलेज इज नॉलेज प्रोसीड फ्रॉम नोन टू अननोन. फॉर एग्जांपल आप रेलवे स्टेशन जाना चाहते हो, आना चाहते हो, और मैं कहता हूँ आप उससे पूछते रेलवे स्टेशन दिल्ली रेलवे स्टेशन कहाँ है, मैं कहता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पर. आप रेलवे स्टेशन नहीं जानते दिल्ली रेलवे स्टेशन, मैं कहता हूँ श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग पे, आप कहते हो श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग की तरह भैया. ए अननोन श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग विल कैन नॉट टेक यू टू अननोन रेलवे स्टेशन. फिर मैं कहता हूँ फतेहपुरी के पास है, फतेहपुरी की तरह भैया, फतेहपुरी एक अननोन फतेहपुरी आपको अननोन रेलवे स्टेशन तक नहीं ले जा सकती. फिर मैं कहता हूँ दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी के पास है, टाउन हॉल के पास, सेंट्रल लाइब्रेरी के सामने एकदम दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, आपको नहीं पता. मैं कहता हूँ कोड़िया पुल के पास है, सर कोई तो नॉन फैक्टर बता दो, ये कोड़िया पुल, ये फतेहपुरी, ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग, ये दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, ये सब रेलवे स्टेशन के पास है, ट्रुथ है. लेकिन आप सबसे अनजाने हो, आप नहीं जानते कोड़िया पुल की तरह, आप नहीं जानते श्यामा प्रसाद मुखर्जी मार्ग की तरह, अब नहीं जानते फतेहपुरी किधर है. जैसे मैं कहता हूं चांदनी चौक के पास है, सर वो क्यों नहीं बोला अभी आप तक, यू नो द चांदनी चौक, एंड चांदनी चौक इज अ नोन फैक्टर, ए नोन फैक्टर कैन टेक यू टू अननोन रेलवे स्टेशन. सिमिलरली परमात्मा अननोन है हमारे लिए, वी डोंट नो द प्योर कॉन्शियसनेस द आत्मा, और उस आत्मा को समझाने के लिए हमारे जो सो कॉल्ड स्पिरिचुअल मास्टर है वो क्या करते हैं, ओ गॉड इज इनफिनिट लव, ही इज ऑल मर्सीफुल, ही इज ऑल काइंड, ही इज ओमनीप्रेजेंट, ओमनीशिएंट, ही इज इनफिनिट पावर. बाय द वे ह्यूमन माइंड कैन नॉट कॉम्प्रिहेंड इनफिनिट, प्लीज. हम शब्दों को गलत करके पी जाते हैं, बट वी रियली डोंट नो व्हाट इनफिनिट इज. अब उस अननोन को समझाने के लिए, उस परमात्मा को समझाने के लिए अननोन टर्म्स यूज करते हो, वो ओमनीशिएंट, ओमनीपोटेंट, इनफिनिट लव, ऑल काइंड लव, एब्सोल्यूट लव है ना. फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, फलसफी की बहस से खुदा मिलता नहीं, डोर को सुलझा रहा हूं सिरा मिलता नहीं. आई रिपीट, फलसफी की बहस से, आर्ग्यूमेंट से, ये शब्दों के गुंजल से, दे टॉक लाइक उमर खयाम से, दे टॉक अबाउट एंड अबाउट एंड आई केम आउट ऑफ द सेम डोर एंड आई वेंट इन. मैं वो बोलते रहे और मैं उसी जगह से निकल गया जहां से आया. कई लोग कहते हैं वेरी नाइस लेक्चर, बहुत लोग थे, वेरी नाइस ऑर्गेनाइजेशन, बहुत ही भीड़ थी वहां तो लेक्चर में. यू आस्क देम, बोला क्या, अच्छी अच्छी बातें बोली थी, क्या बोला, ममल्ला क्या था, मूल क्या था, आइडिया क्या था, समझ नहीं आया कुछ, फिर अच्छा लेक्चर कैसे होगा. कहीं आप ओरेटर के बड़े बड़े फेमस होते हैं, बड़ा नाम है दुनिया का, वो ओपरा विनफ्री शो में आया था, वो इसमें आया था, दीपक चोपड़ा, विद ऑल फेयरनेस आई एम रिस्पेक्टिंग, बहुत अच्छे होते हैं, बड़ी हाईएस्ट फिलोसफी होती है, पर सुनना शुरू कर दो ना पांव पता चलता है ना सब पता चलता है. मेरे जैसे आदमी को तो पता चल जाता है क्योंकि आई नो द उपनिषद बैकग्राउंड, लेकिन वो क्या बोल रहे हैं. ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस इज द रियलिटी, द मोमेंट यू नो दैट ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, दैट प्योर कॉन्शियसनेस विद इन यू विच पल्सेट्स विद योर परसेप्शन एक्शन इमोशंस एंड थॉट, आप क्या हो जाते हो, स्विच ऑफ हो जाते हो. जैसे मैं वो शब्द यूज करता हूं,
the apprehension of the reality creates the misapprehension. The apprehension of the reality creates the reality. But the non-apprehension of the reality will create a misapprehension. Known to unknown aajiye bhaiya sindhi simple baat mein bolo. Simple baat kya hai? Us paramatma ko jano. Known. जिसको जानने के बाद फिर कोई और आनंद आनंद नहीं रहता। उस ब्रह्म को जानो जिसको प्राप्त करने की बात कुछ और प्राप्त करने को शेष नहीं रहता, जिसके आनंद से बढ़कर कोई आनंद नहीं है, जिसके ज्ञान से बढ़कर कोई ज्ञान नहीं है। तो प्रोसेस क्या है? प्रोसेस है नोन टू अननोन। इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं शास्त्रों। इसे तटस्थ लक्षण कहते हैं। By method which you unknown permanent object is pointed by means of known impermanent object. Tatastha lakshan is a method by which one unknown permanent object is pointed out by means of known permanent object. अर्थात उस अननोन परमानेंट जो चीज है जो आप जानते नहीं, उसको जानने के लिए नॉन टेम्परेरी मेथड यूज किया जाता है। मैं समझाता हूं, सामने मकान है बहुत सारे, 10 मकान है, और आपको मैं कहता हूं वो देख वो मेरा मकान है, रोज ऑफ मकान है, बहुत सारे मकान है, और मुझसे कहते हो सर आपका मकान कौन सा, मैं कहता वो सामने है, कौन सा सर, सारे एक जैसे नजर आ रहे हैं। अच्छा वो मकान जिसके ऊपर कौवा बैठा, आप कौवा देख लेते हो, आपको पता चलता है मकान। नेक्स्ट टाइम आप आते हो अपने दोस्त को लेके मेरे मकान में और घूमते ढूंढते हो, वो मकान किधर है सर, आपका कौवा तो आज बैठा नहीं। कौवा टेम्परेरी मेथड था, मकान परमानेंट मेथड। इसके और तरीके बता देते, इसे चंद्र शाख न्याय भी कहते। चंद्र शाख न्याय का मतलब है आपको ब्राइट ब्रिलियंट डे में पूरी की पूरा दिन पूरा का पूरा धूप निकली हुई है, और आकाश में एक चांद का छोटा सा टुकड़ा क्रसेंट मून है, और आपको मैं कहता हूं वो देख क्रसेंट मून, आपको दिखाई नहीं देता। मैं क्या चूज करता हूं, मैं कहता हूं ये पेड़ दे, ये टहनी दे, ये टहनी के आखिरी टहनी में दे, उस आखिरी टहनी की दो पत्तियों के पीछे जाके अब आपको चांद नजर आ जाएगा। अब जैसे चांद नजर आया पेड़ रिडंडेंट हो गया, जैसे घर नजर आया वो कौवा रिडंडेंट हो गया। इसलिए उस परमात्मा को समझाने के लिए हमारे यहां नोन फैक्टर यूज किए गए, अर्थात जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ और प्राप्त करने को नहीं होता। तीन शब्द यूज करें, प्राप्त करना, आनंद करना और ज्ञान करना, तीन शब्द। यू डोंट, देयर इज नो मोर हैप्पीनेस। एक्वायर, मैंने एक्वायर की है, घड़ी एक्वायर करी, प्राप्त करी, थोड़ी देर बाद इससे बोर हो जाऊंगा। लेकिन ब्रह्म को प्राप्त हो गया, अध्यात्म सुख प्राप्त हो गया, फिर और कोई चीज की इच्छा नहीं रहती, फिर और कोई मजेदार चीज नहीं होती, फिर इससे बढ़ के दुनिया में कोई ज्ञान नहीं होता। उस परम को जानो जिसको जानने के बाद मन फिर किसी और चीज में नहीं लगता, फिर मन कहीं और नहीं लगता, फिर मन उस प्रभु के चरणों में लगता। इसका रिलेटिव लेवल भी देख लीजिए आप, रिलेटिव लेवल में, एब्सोल्यूट छोड़ दीजिए, रिलेटिव लेवल में एक बार स्पिरिचुअल एंजॉयमेंट आ गई, एक बार शास्त्रों को पढ़ने का मजा आ गया, एक बार सत्संग की आदत आ गई, एक बार गुरु के साथ बैठ के अध्ययन और मनन का मजा आने लगा, फिर कुछ और मजेदार नहीं लगता। ये फैक्ट, सारे नशे उतर जाते जब होती प्रभात नाम कुमारी नानक चढ़ी दे। एक बार स्पिरिचुअल हैप्पीनेस आ जाए, दे यू डोंट फील एनीथिंग मोर हैप्पीनेस देन दिस। और ये मैं अनुभव से बता रहा हूं, अनुभव से बता रहा हूं। पिछले 27 सालों से मैं वेदांत मॉर्निंग नून एंड नाइट,
वेदांत पढ़ा रहा हूं और कुछ नहीं कर, कुछ और नहीं कर रहा, आई ईट आई स्लीप आई ड्रिंक वेदांत और भगवत गीता। अब पिछले 40 दिनों से तो देख ही रहे हो, मॉर्निंग आफ्टरनून, ऑफिस जाते जाते लोग थक जाते हैं, बोर हो जाते हैं, दे नीड ब्रेक्स, छुट्टी चाहिए, वीकेंड चाहिए, छुट्टी चाहिए, क्योंकि उसमें मजा नहीं आता। लेकिन अध्यात्म एक बार रस लग जाए, अध्यात्म का एक बार रस लग जाए फिर उसकी कोई और तड़प नहीं रहती, कोई और तड़प नहीं रहती उसके बाद। यद एक लाभा ना बरो लाभ, यद सुखम ना परम सुखम, यज्ञात्वा, एक बार ज्ञान आ जाए मजा इससे ज्यादा मजा नहीं। और आप अपने अनुभव से देखते हैं, पिछले 25 दिनों से जो सुन रहे हैं, 30 दिनों से जो सुन रहे हैं, संडे को हम इसको क्लोज कर देंगे, सॉरी शॉकर देने के लिए, इस संडे को हम इस सीजन बंद कर देंगे, वट एवर इज द लॉकडाउन। उसके बाद अगला सीजन 21 तारीख को शुरू होगा, 21 मई से 30 मई तक। तो हर महीने 21 से 30 तक, हर महीने 21 से 30 तक दो क्लासेस होंगी, तीन नहीं होंगी, दो क्लासेस होंगी, एक सुबह 7 बजे और एक शाम को 7 बजे। वो सुबह शायद हम कौन सी लेंगे मैं बता दूंगा। तो संडे तक हम यहाँ पे 3 सेशन ले रहे हैं, क्योंकि कोरोना वायरस लॉकडाउन के कारण, अब चाहे लॉकडाउन चले या ना चले, वी विल हैव ब्रेक फ्रॉम 4th of May से लेकर 20 मई तक, एंड 21 मई को वी विल हैव अनदर सेशन। हर महीने सीजन वन तक, मई को सीजन 2 शुरू होगा, हर महीने सीजन 3 सीजन 4 सीजन 5 चलेगा। अब कब तक चलेगा दैट हरी इच्छा, लेकिन एक बार मजा आना लग जाए ना तो वैक्यूम आ जाएगा। बट टू मच ऑफ एवरीथिंग इज नॉट गुड, सो डू यू नीड अ ब्रेक, यू नीड अ ब्रेक, थोड़ा सा एसिमिलेशन, कंटेम्पलेशन का भी टाइम रख लो। जो आपने नोट्स बनाए हैं, वीडियो में अवेलेबल है, यूट्यूब में अवेलेबल है, सारा कुछ आपके पास भी, सारे लेक्चर अवेलेबल हो जाएंगे, वो जो बॉक्स है आपके पास मेल बॉक्स में आ जाएंगे। बट एक बार मजा आने लग जाए ना तो फिर उससे बड़ा कोई और मजा नहीं है। एंड आई एम सेइंग इट थ्रू एक्सपीरियंस। यू गिव मी, टेक मी टू एनी बेस्ट ऑफ द बेस्ट रेस्टोरेंट, द बेस्ट ऑफ द ब्यूटीफुल सीनरी, मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेसेस ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो माउंट फूजी हो, चाहे बैम्फो, आई एक्सपीरियंस्ड इट। अभी मैं जापान ट्रिप लेके गया था, जापान में ट्रिप लेके गया था, इससे पहले 1 साल गया था, फिर 2 ट्रिप साइड बाय साइड थे, और माउंट फूजी देखते वक्त मैं सो रहा था। यू सॉ इट नायग्रा फॉल, आई मस्ट हैव सीन नायग्रा फॉल एटलीस्ट 20 times, नायग्रा फॉल 20 times, इट्स ऑल राइट, नाइस है, अच्छा है, बट वो कसक नहीं रहता, वो मजा नहीं रहता। लेकिन उपनिषद पढ़ाए, गीता पढ़ाए, पता नहीं 30 बार मैंने भगवत गीता, 50 बार भगवत गीता मैंने खत्म करी पूरे भारत में, दुनिया श्लोक दर श्लोक, लेकिन अभी भी ये वो दूध है, जितना उबालो और मिलाई निकलती। तो हम सब लोग उस रस को रस में चाहे जैसे रसगुल्ला चाशनी में होता है, जैसे रसगुल्ला चाशनी में ओतप्रोत होता है, वैसे हम ज्ञान में ओतप्रोत हो, और एक बार ये सुख आ जाए तो उससे बड़ा सुख दुनिया में कोई नहीं होता। नेक्स्ट प्रश्न। यद् दृष्ट्वा न परं दृश्यम्, यद् भूत्वा न पुनर्भवः, यद् ज्ञात्वा न परं ज्ञेयम्, तद्ब्रह्म हेत्यवतारयेत्। यद् दृष्ट्वा न परं दृश्यम्,
यद्भूत्वान पुनर्भवः यज्ञात्वाना परं ज्ञेयम् तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्. Realize that Brahman, having seen there is nothing else to be seen, having become there is no birth, no rebirth, having known there is nothing else to be known. जिसको देखने के बाद, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने को नहीं बचता, जिसको देखने के बाद कुछ और देखने को नहीं बचता, जिसको प्राप्त हो जाने के बाद इस संसार में अन्य कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती, जिसको जानने के बाद फिर और कुछ जानने का इच्छा नहीं रहती, उस ब्रह्म को जानो, उस परमात्मा को जानो, जिसको देखने के बाद कुछ और देखना नहीं चाहता. सुंदर से सुंदर चीज देख लो, थोड़ी देर में फेटअप हो जाते हो. सुंदर से सुंदर चीज, सुंदर से सुंदर स्त्री को देख लो, सुंदर से सुंदर सीनरी को देख लो, सुंदर से सुंदर फोटोग्राफ को देख लो. आई डोंट नो क्या सुंदर होती है, बिकॉज द ब्यूटी लाइज ऑन द आईज ऑफ अ बीहोल्डर. €70 खर्च करके हम गए थे लोवेर म्यूजियम देखने. लोवेर लूवरे म्यूजियम पेरिस, मोनोलिसा देख, मोनोलिसा पता नहीं क्या सुंदर है भैया. मुझे तो आज तक एक बार ही क्या, मैंने कहा भैया बहुत महंगी है तेरी हंसी, तेरी हंसी बहुत महंगी है. लूवर म्यूजियम, इट्स अ प्लेस, नाइस प्लेस, बहुत अच्छी अच्छी पेंटिंग है, आई अप्रिशिएट इट, बट पर्पस क्या था वहां जाने का? मोनोलिसा ग्रेट, फेयर नाउ. €70 मेरे खर्च हो गए थे, मुझे ये याद है. बट आई थॉट इट्स नॉट वर्थ इट स्पेंडिंग 70. एक आदमी के हम तीन जने गए थे और लगा लीजिए, बड़ा महंगा जी. उसको देखने के बाद फिर और कुछ देखने का मन नहीं करता. मोनोलिसा देख लो 2 मिनट के बाद, अच्छा भैया क्या और क्या देख, खत्म. उसको देखने के बाद, पर अध्यात्म को देखने के बाद फिर कुछ और मजेदार नहीं लगता. अरे अनुभव से जिसको प्राप्त हो जाने के बाद फिर और चीज प्राप्त करने की इच्छा नहीं रहती. आपका 5,000 की तनख्वाह हो गई, 5,000 से 10,000 की तनख्वाह हो गई, 20,000 हुई, 50,000 हुई, 75,000 हुई, 1,00,000 हुई, फिर भी मन क्या करता है? दिल है कि मानता नहीं, ये दिल है कि मानता नहीं, और चाहिए, और. दिए नहीं मिला तो तड़प रहे हैं, दिए हमारा बंद क्यों करती है? हमारा राइट होता है कि हमें प्राप्त होने के बाद कुछ और चाहिए, कुछ और प्राप्त करने की इच्छा होती है. संसारिक ज्ञान भी है, जितना प्राप्त करो कुछ और होता है, अग्नि की तरह कुछ भी डालो रेडी फॉर मोर, सेटिस्फाई नहीं है. संसारिक ज्ञान में भी लोग सेटिस्फाई नहीं है, संसारिक ज्ञान में भी लोग सेटिस्फाई नहीं है. यू वांट मोर, कितनी पढ़ोगे, कितना पढ़ोगे? कभी जाओ किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में, या लॉयर के ऑफिस में, या किसी डॉक्टर के ऑफिस में. I've seen चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऑफिस में मैंने देखा, books and books. मैंने पूछता हूँ, मेरे दाऊदयाल जी हैं, मैंने पूछा दाऊदयाल जी पढ़ी है सारी किताब? कहते पढ़नी पड़ती है जी, क्योंकि हर हर साल जर्नल चेंज होती है, लेकिन 700 श्लोक से ज्यादा आपको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं. 700 श्लोक को इधर उधर घुमाता रहता, बस ये 700 श्लोक है, इतनी किताब है, इसमें भी एक्सप्लेनेशन है, एक्चुअल में इतनी है. यू हैव द बुक गीता जी की, दूसरी वाली श्लोक वाली, इतनी है बस, इससे ज्यादा नहीं है, श्लोक ही है. और ये 700 श्लोक पूरी दुनिया घुमा देंगे, पूरी दुनिया घुमा के चले गए. ये है गीता जी एक्चुअल, इसमें कोई कमेंट्री नहीं है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, सिर्फ वर्सेस हैं, मोटे मोटे अक्षर में लिखे हुए. 115 पेजेस की किताब है, इसको और छोटा कर दो तो
20 पेजेस में आ जाएगी। ये 20 पेजेस का ज्ञान है और इस 700 श्लोक ने आई मस्ट टेल यू ऑनेस्ट इतना सुख दिया मुझे, दुनिया घुमाई, फ्रॉम ऑकलैंड टू लॉस एंजलिस, स्विट्जरलैंड से न्यूजीलैंड से लेके लॉस एंजलिस, एक बार नहीं बहुत बार। इसको प्राप्त करने के बाद किसी और ज्ञान को प्राप्त करने की जरूरत नहीं थी, इसे 700 श्लोकों के आसपास में। लेकिन इंजीनियरिंग में क्या चाहिए, मेडिसिन में क्या चाहिए, हर बार आपको नई टेक्नोलॉजी आती है। अब डीसी और एसी के बाद और हो जाएगा, बिफोर कोरोना और आफ्टर कोरोना नई नई टेक्नोलॉजीज है, नए नए सिस्टम्स आ रहे। लेकिन हम हैं कि अपनी पुरानी आदतों को छोड़ने के शौक नहीं रखते, मजा नहीं, डर लगता है, डर, स्विमिंग पूल पे जंप मारने पे डर लगता, नीचे टीचर खड़ा करा मार जंप, टीचर खड़ा है स्विमिंग पूल के अंदर, इंस्ट्रक्टर कहता मार जंप, मुझे डर लगता है मारना, तो दूसरा इंस्ट्रक्टर पीछे से धक्का मार देता, डरते हैं। मेरे गुरु जी एक स्टोरी सुनाते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। वेदांता में आने से पहले मेरे गुरु जी एसो कंपनी, एक ऑयल कंपनी है अमेरिकन मल्टीनेशनल, उसमें एचआर में कुछ दिन काम किया। जब लंदन से वापस आए, लॉ किया था उन्होंने लंदन में, इंग्लिश दिल्ली मद्रास लॉ कॉलेज से, उसके बाद लॉ किया। उसके बाद जब भारत आए मद्रास चेन्नई, तो एसो कंपनी जो मल्टीनेशनल उसमें एचआर पे थोड़ी देर के लिए, और एचआर के वो हेड थे। एसो जो अमेरिकन मल्टीनेशनल है, उन्होंने डिसाइड किया कि हम एक डायरेक्टर रिक्रूट करते हैं जो पूरी दुनिया में हमारा सबसे पुराना एम्प्लॉय होगा, उसको हम न्यूयॉर्क में डायरेक्टर पोजीशंस अपॉइंट करते हैं, एज ए ग्रेटिट्यूड टू जो सबसे पुराना एम्प्लॉय, वर्किंग एम्प्लॉय है पूरी दुनिया में, उसको हम डायरेक्टरशिप देंगे और न्यूयॉर्क बुलाएंगे, डायरेक्टर बनाएंगे पूरे एसओ के एक डायरेक्टर, और उसको न्यूयॉर्क डाउनटाउन मैनहट्टन में अपार्टमेंट देंगे, उसको एक बहुत सुंदर गाड़ी देंगे, उसको ऑल डायरेक्टर के पास जो सबसे सीनियर एम्प्लॉय है पूरी दुनिया में, रिसर्च हुई सबसे पुराना एम्प्लॉय मिला मद्रास में चेन्नई के एक स्टोर मैनेजर। वो स्टोर मैनेजर फाइंड आउट हुआ कि वो स्टोर मैनेजर पूरे एसओ का ईएसएसओ कंपनी से सबसे पुराना एम्प्लॉय, और उसके लिए पेपर वर्क शुरू हुआ कि उसको अमेरिका बुलाया जाए, फिफ्थ फैमिली, कहां 50 रुपए सैलरी थी और सडनली सैलरी आ रही है उसकी 5,000 रुपए उस समय की, आई एम टॉकिंग अबाउट 1948-49 50 की बात है। सर बड़े खुश, किस उसको बताना, तो स्टोर वाले आदमी को बोला कि भैया तुझे अमेरिका की डायरेक्टरशिप मिली है एसओ की, तुझे न्यूयॉर्क जाना है फुल फैमिली, और वहां पे तुझे सब फैसिलिटी मिलेगी, पर उसके लिए तुझे क्या करना पड़ेगा, स्टोर कीपर की पोजीशन से रिजाइन देना पड़ेगा, तुझे रिजाइन देना पड़ेगा स्टोर की पोजीशन से तुझे डायरेक्टर बनाने के लिए, स्टोर और डायरेक्टर दोनों नहीं चल सकते। स्टोर कीपर रोने लगा, तो मैंने नहीं जाना चेन्नई, तमिलियन था, बोले सर तमिल लैंग्वेज में, सर इज वेरी गुड विद मिमिक्री करते हैं उसकी, तो नहीं जाना मैंने यूएसए नहीं जाना, मैंने डायरेक्टर नहीं बनना, मैंने स्टोर ही रहना, मैंने रिजाइन नहीं करना। सर समझाने की कोशिश कर रहे हैं, भैया तुझे तेरी प्रमोशन हो रही है, तो तब मेरे से भी ऊपर पोजीशन में जा रहा, नहीं जा रहा मैंने। उसे समझ ही नहीं आई कि मुझे क्या मिल रहा है,
बड़ा पैम्पर करने के बाद एक शर्त पे वो राजी हुआ कि सर मैं यूनिफॉर्म स्टोर कीपर वाली पहनूंगा तो ही जाऊंगा। मैं स्टोर कीपर वाली यूनिफॉर्म मिले रहेगी मेरे पास तो मैं जाऊंगा, वो वापस नहीं करूंगा। फाइनली ऐसे राजी हुए, वो स्टोर कीपर की यूनिफॉर्म लेके अमेरिका गया। And he became the director of this. Now I am bringing this. The storekeeper soch hi nahi pa raha ki New York ki SO ki directorship kya. Wo soch hi nahi pa raha ki wo jo New York mein jo 5000 rupaye us samay ke 5000 rupaye kya hai uski soch se bhi pare. Similarly हमारी सोच से भी परे है कि वो परम का सुख क्या है। और गुरु हमारे पास आके कह रहे हैं कि वो परम सुख तू प्राप्त कर ले, तेरा बर्थ राइट है। और वहां हम कह रहे हैं मैं अपनी फैमिली को साथ ले जाऊंगा कि नहीं ले जाऊंगा। ले जा यार, तू फैमिली भी रख, क्या मेरे मकान मेरे साथ रहेगा, मकान भी रख, लेकिन वो जो सुख है ना तू अभी कॉम्प्रीहेंड नहीं कर सकता। और एक बार वो सुख की आदत हो जाए फिर संसार का कोई सुख उससे बड़ा सुख नहीं। सोचेगा इस बात पर। हरि ओम। ओम ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति।